हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऑयली स्किन टाइप हैं तो आपको अपना मेकअप किट कैसे तैयार करना है, कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कोशिश मैं यही करूंगी कि सारे के सारे ड्रग स्टोर ही हों। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब makeup.vitamins। तो सबसे पहले बात करते हैं CTM की, मतलब क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले लेते हैं क्लेंजिंग को। क्लेंजिंग मतलब हमें अपना फेस क्लीन करना है। यहाँ पे मैं आपको स्किन केयर नहीं बता रही हूँ, CTM जो मेकअप से पहले आता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई ना कोई क्लीनिंग वाइप्स लें। बेबी वाइप्स ना लें या कोई भी एंटी बैक्टीरियल वाइप्स नहीं लीजिए। आप कोई भी मेकअप ब्रांड की वाइप्स यूज कर सकते हैं। सिंपल एक ब्रांड है जो बहुत ही अच्छी मेकअप वाइप्स बनाता है। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर क्लेंजिंग विद अ मेकअप वाइप लाइक वन ऑफ सच। तो ना ही आप एक वाइप यूज कर सकते हैं, आप माइसेलर वाटर भी यूज कर सकते हैं। कॉटन पे थोड़ा सा माइसेलर वाटर ले लीजिए और अपने पूरे फेस को उससे वाइप कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर मेकअप। तो ऑयली स्किन वालों के लिए दोनों ही चीजें कंपैटिबल हैं, या तो आप माइसेलर वाटर भी ले सकते हैं या आप अपना ये भी ले सकते हैं टोनिंग। अब टोनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए जिनके ओपन पोर्स हैं या ऑयल काफ़ी प्रोड्यूस होता है स्किन में। तो टोनिंग में आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर्स आर रियली रियली गुड, पर हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो फील कि अगर आप किसी भी तरह का रोज वाटर ले लें अपने मेकअप को शुरू करने से पहले, क्लेंजिंग के बाद, तो ऐसा एक टोनर आपके बहुत 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 काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। We all are confused about it. हम में से most of the people are confused, especially oily skin वालों को तो लगता है कि भाई moisturizer कौन सा होना चाहिए। Simple and straightforward, water या gel based moisturizer या water gel based moisturizers are the ones that you should be considering. आप ले सकते हैं Neutrogena का Hydro Boost, बहुत अच्छा है। Ricoh का water based cream बहुत अच्छी है। दोनों ही अच्छे brands हैं, दोनों ही very well performing brands हैं। Cleansing, toning and moisturizing हमारा हो चुका है। Primer बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। पोर फिलिंग प्राइमर्स चाहिए, मैटिफाइंग प्राइमर्स चाहिए। पोर फिलिंग क्यों? क्योंकि हमारी जब ऑयली स्किन होती है तो हमारे पोर्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, दे टेंड टू बी स्लाइटली बिगर। और मैटिफाइंग क्यों? ताकि ऑयलीनेस जो है स्किन का वो हम उसको एड्रेस कर सकें और हमारे मेकअप में वो ऑयलीनेस फील नहीं आए। तो इसके लिए मैं आपको जो ब्रांड सजेस्ट करूंगी वो है एल्फ का पुटी प्राइमर, इट इज रियली रियली गुड। इसके अलावा आप प्रॉश का प्राइमर ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है बट इट इज ग्रेट फॉर ऑयली स्किन। ब्रांडेड में अगर जाएं तो आप स्मैश बॉक्स का पोर रिफाइनिंग प्राइमर ले सकते हैं, दैट इज इक्वली गुड एंड गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ध्यान रखिए कि प्राइमर बहुत जरूरी है, इसको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने कंसीलर्स की। कंसीलर्स आर ऑब्वियसली इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक इन एनी मेकअप लुक, कंसीलर्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा पर्सनल ड्रग स्टोर से अगर मैं बात करूँ तो लोरियल का इनफेलेबल रेंज जो है उनके फाउंडेशन एज वेल एज कंसीलर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए। और साथ ही साथ मेबिलीन का फिट मी रेंज जो है उनके कंसीलर्स एज वेल एज फाउंडेशंस आर अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल। अब स्विस ब्यूटी एक और ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, ईजी ऑन पॉकेट है और काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स उनके आते हैं। तो मैं आपको उनका जो कंसीलर रेंज है, उनकी एक्चुअली फाउंडेशंस भी मुझे बहुत पसंद है, पर कंसीलर रेंज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपने कंसीलर्स के लिए स्विस ब्यूटी। करते हैं फाउंडेशंस की, तो डेफिनेटली मेबिलीन का पोरलेस फाउंडेशन मैट फिनिश में बहुत अमेजिंग है, फिट मी रेंज में आता है ये। और लोरियल का इनफेलिबल जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा मेबिलीन का स्टे मैट फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ऑब्वियसली एक अलग से ब्रॉन्जर, एक अलग से ब्रश, एक अलग से हाईलाइटर नहीं लेना चाहते। तो बात करते हैं कॉन्टोरिंग की या ब्लश की या हाईलाइटर की। तो इसके लिए मैं 3-in-1 प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करूंगी। इसमें शुगर की पैलेट मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है, दे डू अमेजिंग वंस। ग्लैम्बो पैलेट है हमारे फॉरएवर 52 की, बहुत अमेजिंग पैलेट है, डोंट फॉरगेट टू यूज इट, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। स्विस ब्यूटी की 3-in-1 पैलेट्स ऐसी आती हैं, आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल आर ग्रेट ऑप्शंस फॉर यू। मेकअप को अगर हमें अब सेट करना है तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज कर सकते हैं। मेबिलीन की फिट मी रेंज के कॉम्पैक्ट पाउडर्स आर वेरी वेरी गुड, ऑयली स्किन फ्रेंडली, तो आप डेफिनेटली उन्हें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आप कोई भी ले सकते हैं, फिट मी का रेंज अगेन बहुत अच्छा है मेबिलीन का ट्रांसलूसेंट पाउडर्स के लिए। काजल की अगर बात करें या लाइनर्स की बात करें तो आप जेल लाइनर्स यूज कर सकते हैं, पर ट्राई करिए आप वाटरप्रूफ जेल लाइनर्स यूज करें।
इसमें आप मिलानी की वाटर प्रूफ आई लाइनर जेल्स आते हैं, काजल्स आते हैं, बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, या लिक्विड लाइनर्स जो मैट फिनिश देते हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पैक एंड स्विस ब्यूटी के जो मैटिफाइंग लिक्विड आई लाइनर्स हैं, अमेजिंग ऑप्शन हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब सेटिंग स्प्रे की अगर हम बात करें तो सी एस एसेंशियल्स का सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है, साथ ही साथ में एन वाई एक्स का मैट फिनिश यू नो सेटिंग स्प्रे इज रियली गुड, और वेट एंड वाइल्ड का मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे इज ऑल्सो अमेजिंग। ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड आई फील ऑयली स्किन वालों को प्राइमर तो यूज़ करना ही है, साथ साथ में सेटिंग स्प्रे एंड पाउडर्स ये भी बहुत ज़रूरी हैं, आपको यूज़ करने चाहिए अपने मेकअप को एक अच्छा लुक देने के लिए। बात करते हैं लिपस्टिक्स की, तो ऑब्वियसली लिपस्टिक्स आर अ पर्सनल चॉइस, आपको जो पसंद है आपको यूज़ करिए। आई शेडोज़ की अगर हम बात करें तो आपको मैट फिनिश आई शेडोज़ आर ग्रेट फॉर यू, एंड यू नो यू कैन गो इन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कलर्स दैट यू आर आफ्टर। तो ये हो गया किट हमारी ऑयली स्किन टाइप गर्ल्स के लिए। आई रियली होप यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स नहीं कवर किए हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो।